सभी साधकों का एक संदेश बापू को दिया कि बापू बहुत हो गया आप ये अत्याचार हम पर, अच्छा नहीं लग रहा, आप अब कृपया खुद से अब कुछ संकल्प करें या बाहर आएं या हमें कोई रास्ता दिखाएं, क्योंकि गुरु ही तो रास्ता दिखाते हैं। बापू मुस्कुराए, बोले ये इतनी सी चीज में क्यों घबराना, ये कोई घबराने की बात थोड़ी है, मैं खुश हूँ, तुम भी खुश रहो। हमने कहा बापू आप खुश हैं ये आपने कह दिया, मैं साधकों को बता दूंगी कि आप खुश हैं, लेकिन हमें क्योंकि आप सत्संग नहीं दे रहे हैं इसलिए हम खुश नहीं हैं। तो बापू बोले अरे सत्संग जो दिया है पहले वो तो पछा लो। और कहा कि ये वक्त भी बीत जाएगा, संयम रखो, थोड़ा संयम रखने से तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। और मैं अपने हर साधक को दिल से जानता हूँ, मेरा हर साधक मुझे दिल से जानता है, कोई भी इनको खिलाफ में कुछ कहेगा तो न साधक यकीन करेगा न मैं यकीन करूँगा। तो मेरे साधक मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मैं भी अपने साधकों को बहुत प्रेम करता हूँ, और हमारे साधकों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता, चाहे कितनी कोई आरोप लगाए, कितने कोई अफवाहें उड़ाए, ये सब बेबुनियाद है, अपने आप धुल धुला के चला जाएगा। पानी का बुलबुला कभी टिका है ज़्यादा, ये आरोप भी ऐसे ही हैं, पानी के बुलबुले की तरह हैं, बहुत जल्दी फूट के गायब हो जाएंगे, ये वक्त आएगा अच्छा, इसलिए संयम रखो, अपना धर्म अपना मंत्र का जाप रखो, अपना जो भी सेवा कार्य है वो करते रहो, मन ध्यान भजन अपना करते रहो, और वो वक्त अच्छा आएगा, हम जल्दी मिलेंगे, चिंता की कोई। पूज्य बापूजी ने कोई समय सीमा बताई कि पूज्य बापूजी कब तक बाहर आ जाएंगे, कोई एग्जैक्ट टाइम या कुछ? सवाल मैंने भी पूछा, बापू मुस्कुराए। और एक संदेश भी तो गुरुदेव ने आपको दिया कि आपने कहा कि भाई बापूजी आप निकलो सेव इससे ना, तो आप बापूजी ने कहा कि हाँ, मैंने बापूजी से कहा, मैंने कहा बापू हर साधक के जीवन में आपने चमत्कार किए हैं, अब हम सब साधक मिल के आ करें और जेल से बाहर आ जाएं। तो बापू मुस्कुराए, बोले कि संयम रखो, सब काम धीरे धीरे होता है, और मैं क्यों संकल्प करूं, डॉक्टर कभी अपना इलाज खुद करता है भला।